हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे भाई। ठीक है, तो आज हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे मिल चुके हैं और यहाँ पर भाई हम मॉडर्न फिजिक्स पर आज के लेक्चर से अटैक करना स्टार्ट कर देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सारे POIQ होंगे यहाँ पर आपके, प्लस अदर इर्द गिर्द जो एग्जामिनेशंस आपके होते हैं उनकी भी यहाँ पर चर्चा करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, मेरा नाम है शुभम मलिक। यहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिक्स के PYQs आपके सारे डिस्कस करने वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। पहले एक बार फटाफट से बताओ भाई, मेरी आवाज़ वगैरह सब क्लियर कट आ रही है आपको? अरे सोविक, यू नीड हेल्प, क्या हुआ भाई, बताओ बताओ, जरा एक बार कंफर्म कर दो भाई, क्या मेरी आवाज़ आप तक परफेक्टली आ रही है? स्क्रीन अच्छे से दिख रही है? सब अच्छे से अप टू मार्क है? फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं भाई। गुड इवनिंग भाई धनंजय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अच्छे से आ रहे हैं ना? ठीक है, चलो बहुत अच्छे, है ना? ओके, तो बताओ भाई, सौविक कुछ कह रहे थे भाई, क्या दिक्कत है बताओ? ITGM 2023 को टारगेट कर रहे हो आप, क्या दिक्कत है? मेरा फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम है। अच्छा, अरे हेलो भाई, हेलो हेलो अर्जुन, आपका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम है? अच्छा, इन द एंड ऑफ जनवरी। ओहो, ये तो भारी समस्या होगी भाई। ठीक है, फिर आपका फरवरी में स्टार्टिंग में ही, सेकंड वीक में ही मतलब एग्जामिनेशन है जैम का, है ना? शायद गेट का भी भरा होगा। अच्छा, भाई ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, आप सभी लोग इस चीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों का जनवरी स्टार्टिंग में होगा, कुछ का दिसंबर एंड में होगा, है ना, फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस। हाँ, करीब इसी टाइम होते हैं। तो देखो भाई, मेरी सलाह तो आप सभी को यही होगी कि अभी से थोड़ा 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 बैलेंस बना के चलो। ठीक है, एकदम ऐसा छोड़ मत देना कि भाई सेमेस्टर एग्जाम को हम एक ही रात में देख लेंगे। ठीक है, और ऐसा भी मत करना कि जैम एग्जामिनेशन की तैयारी को हल्का सा ढीला चले जाने दो, ऐसा मत करना। ठीक है भाई, डेफिनेटली वहां पर भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना जरूरी है। ठीक है, कम से कम पास, अच्छे तरीके से पास हो जाना तो काफी जरूरी है। तो अभी से एक बैलेंस बना के चलो ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है जी, एक बैलेंस बना के चलो भाई। अगर आप दिन में 2-3 घंटे जैम की तैयारी कर दे रहे हो ना, तो भाई 1-2 घंटे निकाल कर साथ के साथ सेमेस्टर की भी एग्जाम, इसी सेमेस्टर एग्जाम की भी तैयारी कर दो। ठीक है, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप जैसे कह रहे हो कि जनवरी एंड में है, ठीक है, तो अगर आप आज से चालू कर दोगे ना, 1-1.5-1.5-2-2 घंटा देना, ठीक है, तो भाई आप लटकाड़ाओगे बिल्कुल। क्लियर है? टेंशन ना लो। क्लियर भाई? यार ये चीज़ तो बाकी काफ़ी कॉमन है ना, आप सभी लोग इसके थ्रू डेफिनेटली गुजर ही रहे होंगे कि सेमेस्टर एग्जाम भी आने वाला है, जैम की तैयारी पे क्या इफेक्ट आएगा, है ना? ये चीज़ आप सभी के मन में कहीं ना कहीं चल रही होंगी, तो घबराने की बात नहीं है। ये आपके साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी हुआ था, और आगे जो लोग जैम के एग्जामिनेशन की तैयारी करके पेपर देंगे उनके साथ भी यही होता है भाई। 5वें सेमेस्टर का एग्जाम इसी इसी समय हो रहा होता है, दिसंबर एंड में या जनवरी स्टार्टिंग में, इसके आसपास होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सब ओके होने वाला है। तो भाई दोस्तों, यहाँ पर अपना पहला टॉपिक रहने वाला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना? ठीक है भाई सौविक, अरे गोस्वामी जी टेंशन मत लो भाई। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, और मैं आपको दो मूल मंत्र बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम काइंड ऑफ, ऐसा कह लो कि काइंड ऑफ क्रैश कोर्स की तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक टॉपिक उठाऊंगा, उस टॉपिक में जो जो जैसे जैसे तरोड़ मरोड़ के आपसे पूछ सकता है, सब चिट्टा पिट्टा खोल के रख देंगे और सारे PYQ वगैरह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले जैसे अगर मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो मेजरली यहां पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, मेजरली आपको यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली चीज हो गया आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, स्टीफन, ये क्या होता है भाई, ये क्या चीज बताता है? ठीक है, ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? एक तो इस चीज पर हम बात करेंगे, दूसरी चीज जो हमारी होने वाली है वो होगा हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, या फिर सिंपली वेन्स लॉ भी जिसको कहा जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। आप मुड़कर देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा कि भाई सवाल आए थे तो इस टॉपिक से, तो इन्हीं पे आए थे। ठीक है, इन्हीं दो चीजों को घुमा फिरा कर, दूसरा शब्द यूज कर, है ना, इस तरीके से पूछा यहीं से गया है ले देकर, ये सत्य है।
ठीक है, अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो स्टीफन बोल्टजमैन क्या बोलता भैया, ठीक है, व्हाट डज इट से। अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी लिखता हूं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम में यहां पर क्या क्या लिख सकता है, ठीक है। ठीक है जी, यहां पर सिग्मा आपका क्या भाई, सिग्मा आपका यहां पर है स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है, स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है। ई आपका यहां पर क्या है, ई आपका यहां पर है इमिसिविटी, इमिसिविटी, ठीक है। अब ये इमिसिविटी का एक चीज आप सभी लोग ध्यान में रखना, फॉर अ परफेक्ट, फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है, चलो हम यहां मेंशन भी कर लेते हैं, फॉर अ परफेक्ट। आप देखोगे इस स्क्रीन के ऊपर जो लिखा गया है, इससे आपके जैम एग्जामिनेशन के आज तक के आए हुए सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है, फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो इमिसिविटी होती है ये वन हो जाती है, ठीक है। ये इमिसिविटी क्या होती है, वन हो जाती है, या फिर आप सिंपल कह लो कि आइडल केस के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर इमिसिविटी को हम वन लेकर चलते हैं। जब तक क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला कर आपको ना बताया जाए इमिसिविटी के बारे में, कुछ हिंट ना दी जाए, तो बेझिझक यहां पर इमिसिविटी को वन मानकर चल लोगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा जाता और उन केसेस में आप बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हो कि आपका आइडल ब्लैक बॉडी वाला सिस्टम है, यानी कि प्योरली ब्लैक बॉडी वाला सिस्टम है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी वाला सिस्टम है, ठीक है। स्पेसिफिकली कहीं मेंशन करा जाए सिर्फ तब आप यहां पर इमिसिविटी को इस तरीके से उठाकर रखोगे, अदरवाइज इसको वन ही लेकर चलोगे, बाय डिफॉल्ट वन ही एज्यूम करा जाता है, ठीक है, आइडियली आइडियली डिस्कस करा जाती है सिस्टम को, ठीक है। आई होप इतना वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है जी। अब यहां पर स्टीफन कॉन्स्टेंट क्या होगा, जरूरत पड़ी तो सवाल में दिया जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चंस आपको हमेशा ना रेशियोज निकालने के आएंगे कि पावर निकालो या फिर रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी निकालो, ठीक है, इस तरीके की कुछ कुछ चीजें पूछेगा आपसे, क्लियर है। तो स्टीफन कॉन्स्टेंट आपको याद रखने की तो कतई जरूरत नहीं है, इनके जरूरत आपको अगर पड़ जाए तो भाई एग्जामिनेशन में आपको जरूर उसकी वैल्यू गिवन हो गया, तो आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा मन में घबराहट नहीं रखने की भाई याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतनी बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। ये आई क्या है इसको देख लो जरा, ठीक है, आई क्या है इसको जरा आप देख लो, यहां पर किन अलग अलग फॉर्म्स में इसको मेंशन हम कर सकते हैं, राइट, कितने अलग अलग तरीके से हम इस चीज को पुकार सकते हैं, राइट। ये अपना इंटेंसिटी होता है, ठीक है, इंटेंसिटी कह लो या फिर कह लो पावर पर यूनिट एरिया या फिर पावर बाय एरिया, ऐसा करके डायरेक्टली बोल दीजिए, या फिर यहां पर एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स में आप कह सकते हो, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, दिस इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी, क्लियर भाई। या फिर इसी चीज को रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है, इसी सेम चीज को रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है, ठीक है। जब ये डेंसिटी शब्द मैंने यूज करा तो पर यूनिट टाइम उस सेंस में, ठीक है, रेडिएंट फ्लक्स तो आप सभी लोग समझ जाओगे ना कि किसके बारे में बात हो रही है ना, रेडिएंट फ्लक्स तो आप कहीं ना कहीं समझ जाओगे किस चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और ये डेंसिटी शब्द जो साथ में जोड़ दिया गया है ना, इसका मतलब बस इसी से कि पर यूनिट टाइम आप बात कर रहे हो, डेट्स ऑल, क्या इतना क्लियर है भाई। सोवी क्या कह रहे हो भाई, सर IFS एब में IIT जैम का कोर्स में फ्री लेक्चर और मॉडर्न फिजिक्स नहीं मिल रहा है, अरे क्या बात कर रहे हो सर, सोविक क्या बात कर रहे हो भाई, नहीं नहीं, यहाँ हमारे प्रद्युमन सर का भाई आपको 100% मिल रहा होगा, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर आपके अवेलेबल हैं ऐप के ऊपर, ठीक है, राइट। आप एक काम कर लीजिए, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए 9172266888, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ 9172266888, ठीक है। इनकेस आपको मिल नहीं रहे हैं तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। या तो एक वीडियो सिद्धार्थ सर ने ऑलरेडी बनाई हुई है कि कैसे कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप जाकर देख सकते हो, क्लियर, अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। इनकेस कोई दिक्कत आए तो उस नंबर पे फोन मार दो या फिर राइट या फिर सिद्धार्थ सर ने एक वीडियो बना रखी थी उसको आप जाकर देख सकते हो, क्लियर है, ठीक है भाई।
तो इतना तो हमने स्क्रीन के ऊपर लिखा भाई। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, मन में कुछ सवाल है, दिल की कुछ गहराइयों से इच्छा निकल के कुछ आ रही हो, कुछ पूछना हो आपको तो बता दीजिए, ठीक है? कुछ भी पूछना चाहते हो तो बता दीजिए, ठीक है? अब जैसे मैं आप ब्लैक बॉडी कह रहा हूं, ठीक है? अब ब्लैक बॉडी के बारे में हम काफी गहराई में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन भाई अभी हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और जैम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसकी डिटेल्स तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है जैम एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है? और अगर मतलब डिटेल डिस्कस करना चाहते हैं तो क्लास के एंड में कर लेंगे, ठीक है? या फिर किसी को डाउट हो तो बिल्कुल पूछो भाई, आई विल बी मोर देन हैप्पी। फिर आता है अपना वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है? अब ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बताता है भाई, व्हाट डज इट से, ठीक है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपका क्या बताता है? अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वेवलेंथ वर्सेस टेम्परेचर का, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम 0 केल्विन से बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर रेज करते जाएंगे तो आपको कितनी अलग अलग वेवलेंथ मिलती जाएंगी, ठीक है? मान लो आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, और चलो सिंपल एक मान लो एक मेटल एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, एक स्फेरिकल शेल है जिसमें आपने एक छोटा सा छेद कर दिया भाई, लिटल लिटल एक होल कर दिया उस पर, बिल्कुल एक सुई जितना छेद कर दिया है, ठीक है? अब ये यहां पर जब आप रेडिएशन डालोगे, ठीक है, और यहाँ रिफ्लेक्शन हो के एब्जॉर्प्शन हो के एक काइंड ऑफ एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी, वेरी क्लोज टू अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? या फिर जो आपके काजल होता है, ठीक है, काजल होता है ना भाई, तो वो भी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। अपना जो सूरज है, सन है, ठीक है, वो भी लगभग एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है, ठीक है? ब्लैक बॉडी का बस इतना ही मतलब आप समझ लीजिए कि भाई किसी भी वेवलेंथ किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उस पर डालो तो एब्जॉर्ब कर ले, और अगर आप उसको हीट करते हो तो हर पॉसिबल वेवलेंथ हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इमिट आउट कर दे, वो है परफेक्ट ब्लैक बॉडी, आसान शब्दों में इतना, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल मुश्किल शब्द घुसाकर करा जा सकता है, आसान शब्दों में यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, राइट? ठीक है, तो यहां पर जो अलग अलग वेवलेंथ आपकी इमिट आउट होंगी विद डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, मान लो 50 केल्विन पर कुछ हो रहा है, 100 केल्विन पर, 500 केल्विन पर, 1000 केल्विन पर कुछ हो रहा है ना, तो उसके साथ साथ ये ग्राफ कैसा आता है आपका, ठीक है? उन सभी चीजों के बारे में यहां पर चर्चा अपन कर रहे होते हैं, क्लियर है? तो यहां पर जहां पर आपको मैक्सिमम या फिर लैम्डा वर्सेस टी की बजाय आप यहां पर एनर्जी डेंसिटी वर्सेस उसका भी बना सकते हैं ग्राफ, ठीक है? चलो छोड़ो, फिलहाल के लिए इतना ही मान लीजिए, ठीक है, कि यहां पर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर, मान लो कुछ T1 टेम्परेचर है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर आपको जो जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, ठीक है, जो मैक्सिमम आपको इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, राइट, वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, मान लो कुछ लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है? मान लो यहां पर आपको कुछ लैम्डा मैक्स आ रहा है, लैम्डा मैक्स, ठीक है, हियर इज द लैम्डा मैक्स, क्लियर है? तो यहां पर कहा गया कि अलग अलग टेम्परेचर पर आप जब देखोगे, मान लो T1 पर ऐसा था, T2 टेम्परेचर पर भी आपने देखा है ना, तो T2 टेम्परेचर पर लैम्डा मैक्स की कुछ और वैल्यू होगी, है ना? तो वहां यहां देखा गया कि भाई लैम्डा की वो वैल्यू जिस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आपको मिल जा रही है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी कह लीजिए एक तरीके से, जो आपको मैक्सिमम मिल जा रही है, क्लियर है? तो उस वेवलेंथ को हमने बोला लैम्डा मैक्स, और टेम्परेचर का इसका जो प्रोडक्ट होगा ये कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है, इट इट समहाउ रिजल्ट्स आउट टू बी कॉन्स्टेंट, ये समहाउ एक कॉन्स्टेंट आता है, और ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, और ये जो कॉन्स्टेंट है इसको हम वेन्स कॉन्स्टेंट कहते हैं, ठीक है, इसको वेन्स कॉन्स्टेंट कहा जाता है। अगेन इसकी वैल्यू याद करने की आपको जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इसको याद करने की, ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, अब तक ऐसे सवाल आए भी नहीं है जिसमें इसका यूज भी कर जाना पड़े, ठीक है, आपसे हमेशा कुछ ना कुछ रेशियो निकालने के लिए या फिर इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आपसे बहुत न्यूमेरिकल डायरेक्शन में नहीं ले जाता इन टॉपिक में, ठीक है, तो संतुष्ट रहिएगा, क्लियर है? ठीक है, अब या तो इससे सवाल पूछेगा इन इन शब्दों को यूज करके, या तो आपसे सवाल पूछेगा इससे रिलेटेड, ठीक है, या तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया जाएगा, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स भी कभी कभी कर दिया जाएगा, ठीक है, तो लेट अस सी कि कैसे कैसे क्वेश्चन अब तक आए हैं, कैसे कैसे हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले पहले सवाल देखते हैं, IDGM 2021 में ये सवाल आया हुआ है, एक बार इसको देखते हैं कि सवाल है क्या, ठीक है। एन आइडियल ब्लैक बॉडी, भाई आइडियल शब्द सुनते मेरे दिमाग में क्या आया, एमिसिविटी 1 रख रही है, सबसे पहले दिमाग में आ गया, ठीक है। एन आइडियल ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर इमिट्स रेडिएशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, अच्छा जी, द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मटीरियल, राइट, द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ अ मटीरियल एट टेम्परेचर T1 इज दिस मच, अच्छा जी,
राइट, एनर्जी डेंसिटी की पर्टिकुलर वैल्यू इतनी है इस टेम्परेचर पर, इट्स एमिसिविटी इज वाट। ओके ओके ओके, यहाँ पर अपने को दो सिचुएशन दी गई है, एक तो अपना आइडियल ब्लैक बॉडी वाला सिस्टम, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, उसके लिए एनर्जी डेंसिटी यू कुछ गिवन है, ठीक है, उसके लिए एनर्जी डेंसिटी यू कुछ गिवन है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा भाई, सिग्मा ई भाई आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए तो वन होगा, है ना, पहले वाले केस में आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये तो वन होगा एमिसिविटी, और यहाँ क्या आएगा, टेम्परेचर की पावर चार, कुछ टेम्परेचर टी पर अगर हम बात कर रहे थे। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब आप एक मटेरियल को लेते हो राइट, और उस मटेरियल में, इसको इक्वेशन वन बोल दो, उस मटेरियल में दोस्तों आपने क्या देखा, उस मटेरियल में आपने देखा कि कुछ टी बाई टू टेम्परेचर पर जब आप एनर्जी डेंसिटी से क्या अर्थ है आपका, हाँ भाई समझ जाओगे किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी कहा गया कि यू जो यहां पर आ रहा था ना, यू डिवाइड बाय 256 आ रहा है, तो इमिसिविटी इस मटेरियल की क्या होगी। अब भाई कहीं ना कहीं हमें मतलब चलो लेट अस सी, पूरा डिस्कस ही कर लेते हैं, तो केस नंबर टू हम लिखते हैं, यू बटे 256 इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, सिग्मा तो भाई स्टीफंस कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, इट इज अ फिक्स नंबर राइट। यहां पर आपका इमिसिविटी आएगी, यहां आएगा टेम्परेचर, अब टी की टी डैश क्या है आपका, नया टेम्परेचर क्या है ब्लैक बॉडी का, टी बाय टू, ठीक है। अब ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है या नहीं है ये तो इसकी इमिसिविटी देखकर कैलकुलेट कर ही पता चलेगा, ठीक है, कि वन आ रही है तो बोल देंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, यानी कि आइडियल ब्लैक बॉडी वाला केस है, नहीं तो जो भी इमिसिविटी आ रही है निकाल लेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इसकी पावर क्या है, चार, ठीक है, नया टेम्परेचर क्या है, टी बाय टू है, इसकी पावर चार, इस प्रकार इसको बोल दो टू, ठीक है जी, इसको बोल दीजिए आप टू। अब यहां पर जो भी कट पीट रहा है काट पीट दीजिए, ठीक है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर दीजिए, या फिर मैं तो कहता हूं ये पावर फोर जो है इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई और भी कर लेते हैं, ठीक है, तो टी की पावर चार आ जाएगा डिवाइड बाय टू की पावर फोर, क्या होगा भैया आपका, ठीक है, टू की पावर फोर कैसे लिख सकते हैं ना, टू की पावर टू इंटू टू की पावर टू, है ना, तो सिंपली कह दीजिए आपका 16 आ रहा होगा, है ना, क्लियर है, टू की पावर फोर आप सिंपली 16 बोल दीजिए। तो यहां पर यू बटे 256 था, 256 को जाना पहचाना लग रहा है आप सभी को, हाँ भाई 256 को जाना पहचाना लग रहा है, हाँ भाई किसी चीज का स्क्वायर लग रहा है, महसूस हो रहा है, ठीक है जी। तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर देता हूं और ये 16 से इसको काट देता हूं, कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, सिग्मा से सिग्मा आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस यू से यू कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर चार से टी की पावर चार कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा यहां से, डिवाइडिंग बाय वन वी विल गेट इमिसिविटी इक्वल टू वन बाय, कितनी आएगी भाई बताओ, निकाल के बताइए भाई जी, फटाफट से बताओ कितनी आ रही होगी, हैं भाई, पेन कॉपी लेके बैठो, गणित बिठाओ साथ के साथ, और जो भी मन में मुश्किल से मुश्किल डाउट आए पूछ लो, ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन की वर्डिंग ना समझ आए तो पूछ लो, ठीक है, मैंने आपको पहले पूरा सार लिखवा दिया है, बता दिया है कि कहते क्या है, कैसे क्या होता है, ठीक है, तो यहां पर मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर, बताओ भाई एक बार थोड़ा सा ना गणित बिठाओ और बताओ भाई यहां पर इनको डिवाइड करके आपका आपका आंसर क्या आ रहा होगा, बताओ भाई बताओ फटाफट से, जल्दी से बताइए भाई आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, बताइए भाई, क्या इमिसिविटी आपकी 1/16 से करके आ रही है, बताओ, इक्वेशन वन इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या चीज आ रही है, क्या इमिसिविटी 1/16 करके आ जा रही है आपकी, इस 16 से ये कट कर रहे होगे जब 16 बचेगा भाई, तो अल्टीमेटली 1/16 मिल जाएगा इमिसिविटी, ठीक है, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ भाई, क्या इमिसिविटी आपकी 1/16 मिली, अब 1/16 कितना होगा भाई निकाल लो, हाँ भाई 1/16 कितना होगा निकाल लीजिए आराम से, ठीक है, सो यही आपका आंसर आएगा, जो भी व्हाटएवर इट इज, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, दिस इज योर आंसर, क्लियर है। और यार क्या हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका
एग्जैक्टली वन तो नहीं है और शायद वन से काफी दूर है, दिख रहा है सभी को, है ना? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या ये वन से काफी दूर है, ये वाली चीज आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि वन से काफी ज्यादा आ रहा है ना भाई? 1/16 है, क्या ये नंबर वन के आसपास है? नहीं यार, ये तो वन से बहुत छोटा है, राइट? ये तो वन से काफी छोटा है, राइट? तो इसको भी जरा आप सभी लोग एक बार देख लीजिए। अरे मिट जा भाई, इसको भी आप एक बार जरा देख लीजिए, ठीक है? इसका आंसर आपका रफली 0.0625 आ रहा होगा, यही आपका सही आंसर है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है? और भाई ये डिवाइड में अगर कुछ गड़बड़ है तो आप बता दो कि सही आंसर क्या आ रहा है, ठीक है? यही आना चाहिए। एक तो ये सवाल हुआ, अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर, अगले सवाल के ऊपर आते हैं फटाफट से बिल्कुल। अब भी भाई हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला ही टॉपिक चल रहा है ना? ये सवाल आपका जैम 2020 का है, सवाल को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है? कंसीडर टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज, कंसीडर टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज, इनकी इमिसिविटी वगैरह के बारे में कुछ चर्चा नहीं करी गई है। देखते हैं भाई आगे कोई डिस्कशन होगा तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, जो भी पूछा जाएगा निकाल देंगे। और अगर इमिसिविटी का कहीं भी जिक्र नहीं आया तो बाय डिफॉल्ट इनको मैं क्या मान के चलूंगा? आइडियल ब्लैक बॉडी, यानी कि इमिसिविटी वन लेकर चल पड़ूंगा अगर जिक्र नहीं करा गया तो, ठीक है? ठीक है जी, कंसीडर टू स्फेरिकल परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अच्छा परफेक्ट वर्ड मेंशन है, ठीक है? तो इमिसिविटी वन ले लोगे दोनों केस में, ठीक है जी? ये हमसे मिस हो गया था, इमिसिविटी वन ले लोगे उस केस में दोनों में, ठीक है? तो एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, अच्छा जी। और एट टेम्परेचर, एक का टेम्परेचर इतना है, दूसरे वाले का टेम्परेचर इतना है, अच्छा ओके। देन बोथ इमिट्स रेडिएशन ऑफ पावर इतना, देन बोथ ऑफ देम इमिट्स रेडिएशन ऑफ पावर इतना, पावर, ये पावर कहां से आ गया भाई? ठीक है, सोच के देखो भाई, कुछ याद करो, कुछ याद आ रहा है भाई? हमने जब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में चर्चा करी, डिस्कशन करा, तो हमने क्या वहां पर टेम्परेचर और पावर वगैरह में कोई रिलेशन कुछ डिस्कस करा था? ठीक है, एरिया क्या आपको पता है? एक स्फेरिकल शेल है अगर आपके पास है तो उसका एरिया आप सभी लोग निकाल पाएंगे, ठीक है? 4πr², ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। एक का रेडियस R1 दे रखा है, एक का रेडियस R2 दे रखा है। तो यहां पर इस सवाल में क्या होगा भाई? इस सवाल में अपने को सिंपल इतना करना है, ठीक है? एनर्जी डेंसिटी कह लो या फिर इंटेंसिटी की टर्म्स में लिख लो या फिर इसी को बोल दो पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है? ये आपको कितना होगा? सिग्मा इंटू इमिसिविटी, इसको तो वन ही ले लो, ठीक है? शुरू से ही वन ले लो क्योंकि क्वेश्चन में परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहा गया, आइडियल ब्लैक बॉडी कहा गया है ना, तो इंटू वन लिख लो, इमिसिविटी वन, ठीक है? और साथ में टेम्परेचर की पावर 4। अब यहां पर अपने पास दो स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज हैं, ठीक है? दो स्फेरिकल शेल्स हैं बेसिकली, ऐसा मैं आपसे कहता हूं। तो पहले के लिए क्या होगा? पावर, पावर तो दोनों में सेम आ रही है भाई, भाई पावर तो दोनों के केसेस में सेम आ रही है, ठीक है? मतलब क्वेश्चन में गिवन है ना 1 kW, क्लियर है? तो यहां पर पावर की जगह सिंपल मैं इसको लिख देता हूं और एरिया इसका होगा 4πr1, ठीक है? रेडियस R1 गिवन है ना, 4πr1² ऐसा करके, जिसके बराबर होगा सिग्मा इंटू टी की पावर 4। इसके लिए टेम्परेचर कितना है? 1000 केल्विन, ठीक है? 1000 केल्विन की पावर 4 ऐसा करके, इसको इक्वेशन 1 बोल दो भाई प्यार से। सिमिलरली दूसरे के लिए क्या होगा? 4πr2² इक्वल टू सिग्मा, इसका टेम्परेचर कितना भाई? 2000 केल्विन, ठीक है? इसकी पावर 4, इसको बोल दो प्यार से इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो? आपस में डिवाइड कर दो। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? अरे भाई ये सिग्मा की वैल्यू हमें नहीं बताना, हम चाहते भी नहीं इसको डिस्कस करना। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है R1/R2 ये रेशियो क्या होगी बताइए, ठीक है? अब आप पूछोगे सर ये देखते ही दिमाग में एकदम क्लिक नहीं हुआ भाई, मैंने आपको जब खुलकर बोल दिया कि आप, आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो सिर्फ इस पेज से पूछा जाएगा, ठीक है? और चलो हल्का फुल्का बेसिक आप इसके ग्राफ्स के रिगार्डिंग देख लेना एट मैक्स, ठीक है? या फिर कभी कभी यहां पर आपसे कह सकता है कि लैम्डा मैक्स की जगह आपसे फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी बात कर सकता है, ठीक है? लैम्डा मैक्स की जगह आपसे कभी कभी फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी बात कर सकता है, ठीक है? तो भाई लैम्डा से फ्रीक्वेंसी निकालना क्या बहुत कठिन है भाई? अगर आपको लैम्डा पता है कि लैम्डा के साथ ऐसी चीजें हो रही थी, राइट, तो फ्रीक्वेंसी के कोरस्पोंडिंग आप चीजें लिख पाएंगे, फिर कोई दिक्कत की बात
नहीं आनी चाहिए, राइट, म्यू मिनिमम या फिर म्यू मैक्सिमम निकाल लेना यहाँ से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप, वो सारे छोटे मोटी चीज़ें आप कर पाओगे, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आ भी गया तो बहुत ईजी है वो क्वेश्चन, ऐसा कुछ बहुत 30 मार्क का क्वेश्चन नहीं होगा वो, ठीक है, डूएबल होगा, मतलब इजिली डूएबल होगा। यहाँ देखो भाई, इन दोनों को अपन डिवाइड करते हैं। क्या पूछा? आर वन बाय आर टू पूछा है ना, तो भाई इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं, ठीक है, तभी अपना आर वन बाय आर टू आ जाएगा। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं तो क्या चीज मिलेगी भाई हमें, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, ठीक है, वी विल गेट, क्या मिलेगा भाई अपने को, आर वन बटे आर टू का होल स्क्वायर और इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या चीज मिलेगी, 2 की पावर 4, क्या सही कुछ मिल रहा है बताओ भाई, क्या इसी प्रकार की कुछ चीजें आपको मिल जा रही हैं यहां पर, ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छे, ओके, तो यहां से आर वन बाय आर टू कितना हो जाएगा, मान लो दोनों साइड आपने रूट वूट ले लिया या फिर कंपैरिजन कर लो, तो अपने से आर वन बाय आर टू पूछा था, ठीक है। अगर किसी चीज का स्क्वायर 2 की पावर 4 है तो वो चीज कितनी होगी, या 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगी, तो यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। एटमैक्स आप क्या करोगे, एटमैक्स आप जल्दबाजी में फ्लो में क्या कर दोगे, आप यहीं पर इसी चीज को निकाल के यहाँ 16 लिखकर टिक मार के आ जाओगे और खुश हो जाओगे, मैंने तो 1 मिनट में कर दिया, ठीक है। छोटी मोटी गलतियां हैं, हो जाती हैं, करनी नहीं है, ठीक है, फोकस रहना है, अच्छे से प्यार से स्मूथली। अपने से क्या पूछा गया था, दोबारा आओ पीछे आगे देखो, आर वन बाय आर टू की रेशियो पूछी गई थी, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है क्वेश्चन में, वहां पर जल्दबाजी में आप यहां पर जैसे ही स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहां से आर वन बाय आर टू का होल स्क्वायर निकल कर आता आपके पास, तो गलती से इस पर टिक लग जाता है फ्लो में, ठीक है। आप फ्लो में गलती से 16 पे टिक मार के आ सकते थे, क्लियर है। तो थोड़ा सा इस पे अवेयरनेस दिखाइए, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। 2 क्वेश्चन आपके आगे हो गए हैं, एक इस सवाल को और देख लो क्या पूछ रहा, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी या टेम्परेचर टी, ब्लैक बॉडी कैसी है, अब तक तो नहीं जिक्र हुआ, आइडल है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है या नहीं है, ठीक है, तो इमिसिविटी के बारे में चलो देखते हैं, ठीक है, लेट अस सी। कुछ भी जिक्र नहीं हुआ तो मैं इमिसिविटी को 1 ले लूंगा, बाय डिफॉल्ट इस ब्लैक बॉडी को आइडल केस मानकर चल लूंगा, ठीक है, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानकर चलूंगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है एक्सप्लिसिटली चिल्ला कर, ठीक है, देखते हैं, लेट अस सी क्या है। अब ब्लैक बॉडी या टेम्परेचर टी इमिट्स रेडिएशन एट अ पीक वेवलेंथ इतना, अच्छा जी, ओहो ओके, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ यहाँ पर ऑफ आना चाहिए ना, इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी बिकम्स 40, अच्छा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो नया पीक वेवलेंथ कितना हो जाएगा, ये हमको बताना है, ठीक है भाई, ये तो काफी आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच के बताओ जरा, यूज करोगे क्या, ठीक है, यहाँ पर अपन कौन सी चीज यूज कर रहे होंगे, ठीक है, क्या भाई वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज करेंगे, सभी जो चमक रहा है दिमाग में, ठीक है, ये भाई पीक वेवलेंथ कहा गया है, लैम्डा मैक्स के बारे में बात करी गई है ना, लैम्डा मैक्स के बारे में बात करी और टेम्परेचर के बारे में बात करी जा रही है, तो भाई अपन सभी को बताया कि वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग अपना लैम्डा मैक्स इंटू टी क्या होता है भैया, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, इस कॉन्स्टेंट को वेंस कॉन्स्टेंट कह दिया जाता है, ठीक है, तो इतनी चीज तो अपने का स्पष्ट है भाई, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, 4 गुना बढ़ा दिया, तो ये लैम्डा मैक्स कैसा हो जाएगा भाई, जब राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट है और इस चीज को 4 गुना बढ़ा दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, ये सोच के बताओ भाई, ठीक है, ये सारी चीजें जरा सोच के बताइए आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ भाई फटाफट से, जल्दी से बताओ, क्या बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई। यहां पर कहा जा रहा है कि टेम्परेचर, इसको चलो लैम्डा मैक्स डैश बोल देते हैं, ठीक है, और यहां पर क्या है, टी की जगह आपका 40 रख दिया, 40, ठीक है, तो भैया राइट हैंड साइड में वो सेम कॉन्स्टेंट आने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4, है कि नहीं, सही बात है ना भाई। अगर राइट हैंड साइड आपकी कॉन्स्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही, मान लो कुछ फिक्स नंबर है, कुछ फिक्स नंबर है, ठीक है, तो भाई यहां पर अगर टेम्परेचर को कुछ बढ़ाते हो तो डेफिनेटली इस चीज को कुछ घटाना पड़ेगा, सच डेट इनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, वही सेम कॉन्स्टेंट आए, कोई चेंजेस यहां पर ना आए, ठीक है। आई होप यहां तक आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सच था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल क्या कह रहा,
अगला सवाल क्या कह रहा है भाई देखते हैं, ये आपके जैम 2012 का सवाल है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डबल्ड, भाई टेम्परेचर डबल कर दोगे तो क्या होगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट्स स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ठीक है भाई, जो एनर्जी डेंसिटी आपको बताई गई थी ना उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, या फिर सिंपल कह लो मैं ऐसा कहता हूँ कुछ चेंज करा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी को चेंज कर रहे हो तो साथ में क्या क्या चीजें चेंज होती है, लैम्डा मैक्स चेंज होगा 100% होगा। ठीक है, लैम्डा मैक्स आपका 200% मतलब चेंज होगा ही होगा, और उसके कोरिस्पोंडिंग आप कह सकते हो जो आपकी एनर्जी डेंसिटी होगी, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी होगी, राइट, वो भी चेंज होगी। ठीक है, वो भी आपका चेंज हो रहा होगा। सच्च बात है भाई, कैसे चेंज होगा, दो दो लॉस से हम निकाल सकते हैं सिंपली, राइट, एक तो आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो और एक आपका स्टीफन बोल्टजमैन लो, इन दो का यूज कर कर हम सब निकाल देंगे कि क्या कम ज्यादा करने पर क्या कैसे चीजें इफेक्ट होंगी, कैसे चीजें चेंज होंगी, ये सब कुछ निकाल पाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डैट एट इनिशियल टेम्परेचर वुड बी वाट। अच्छा ओके ठीक है, तो यार ये तो काफी आसान सा है। ठीक है, सिग्मा इंटू इमिसिविटी इंटू टेम्परेचर की पावर 4, मान लो इनिशियली ये था, है ना, मान लो इनिशियली ये था, इनिशियली दिस इज द केस, इनिशियली दिस इज द केस। ठीक है, वाट्स एवर इनिशियली लेट दिस इज द केस। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने कहा कि अब टेम्परेचर हमने दोगुना कर दिया। ठीक है, मान लो ये यू डैश कुछ आपका सिग्मा इंटू इमिसिविटी इंटू टेम्परेचर क्या कर दिया, दोगुना कर दिया ना, टेम्परेचर दोगुना कर दिया, यहाँ 2T की पावर 4 है ऐसा करके। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल डेंसिटी पूछ रहा है कि पहले के रिस्पेक्ट में अब क्या होगा। ठीक है, ये बताना भाई हमको क्या मुश्किल है इसमें। अब कुछ चीजें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है, जैसे कि इमिसिविटी के बारे में क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी जिक्र नहीं हुआ, एक्सप्लिसिटली कहीं भी इसका जिक्र आया नहीं है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के हम समझ सकते हैं कि एग्जामिनेटर ने जिस तरीके से क्वेश्चन बनाया है वो मानकर चला है कि आइडियल केस है, और वो तो मैंने आपको बता भी दिया, जब तक चिल्ला चिल्ला कर ना बताया जाए बाय डिफॉल्ट हमेशा आइडल केस लेके चलोगे। ठीक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान कर चलोगे जब तक ना चिल्ला चिल्ला कर बताया जाए। क्लियर, तो भैया इमिसिविटी को ले लो सीधा वन, इन दोनों को कर दो आपस में डिवाइड, या तो इसको यू डैश को थोड़ा और फर्दर लिख लो, सिग्मा इंटू 2 की पावर 4 16। ठीक है, इस प्रकार। क्लियर, ठीक है जी, बहुत अच्छे। तो U डैश आपको निकालना था। ठीक है, U डैश इन दोनों को डिवाइड कर दो, बेशक इसको बोल दो 2 और इसको बोल दो 1। ठीक है, डिवाइडिंग 2/1। ठीक है, ऐसा कर देते हैं, वी विल हैव, ठीक है, U डैश बाय U इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। ठीक है, T की पावर 4 और सिग्मा तो आपस में कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, अब आपको सर ये क्या वेरी होता है कॉन्स्टेंट, मैं कह रहा हूँ नहीं, इट इज अ फिक्स नंबर, ये चेंज नहीं होता, इट इज अ फिक्स नंबर। अगर आप गूगल पे टाइप करके देखोगे ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टीफन कॉन्स्टेंट, आपको एक फिक्स नंबर दिखाई देगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेन्स कॉन्स्टेंट, आपको एक फिक्स नंबर दिखाई देगा। ठीक है, राइट, एक फिक्स कंडीशन में, एक फिक्स एनवायरमेंट में, जो कि जो एक्सपेरिमेंटली यूज करा गया था उस समय। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये कॉन्स्टेंट आपका फिक्स आता है। अब भाई कॉन्स्टेंट तो आपको सर 2 भी कॉन्स्टेंट है, 5 भी कॉन्स्टेंट है, 8 भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, क्या ये इससे ये हो जाता है कभी कभी चेंज, नहीं होता है। ठीक है, ये फिक्स रहता है। क्लियर है, इस तरीके से चीजें हैं, तो ये भी आपस में क्या हो रहे होंगे, कैंसिल हो रहे होंगे। सीधा आपके पास क्या चीज बचने वाली है, 16 बचने वाला है भैया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, यू आपका कितना हो जाएगा, 16 times, यू डैश विल बिकम 16 times यू। ठीक है, इस तरीके की आपकी चीजें। क्या यहां तक सभी को चीजें क्लियर है, किसी के मन में कोई डाउट, आपके मन में कोई इच्छा कि सर जी अगर क्वेश्चन में ऐसा कह देता तो क्या करते, इस टाइप की कोई मन में चीजें, ख्वाहिश, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी हो तो भाई बेझिझक हम आपके हैं, आप हमारे हो, बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें ना बिल्कुल स्मूथली क्लियर कट चल रही होंगी, है ना, आई होप यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, यही पूछा गया था ना विद रिस्पेक्ट टू डैट, चलो स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बारे में ही पूछा गया था ना हमसे कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी पहले वाले टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अब कितना क्या हो जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 16 गुना बढ़ जा रहा है, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ही हम अगला सवाल देखते हैं भाई। ये सवाल थोड़ा सा मुझे लगता है ये वही सवाल है जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया था। ठीक है, तो आप यहां पर इंपॉर्टेंट सा लिख लीजिए, कुछ बहुत मुश्किल है नहीं, पर सिर्फ ठीक है,
द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवन, ठीक है, मतलब दो ऑब्जेक्ट है ओवन और ओ टू, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओवन का जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी वगैरह है, इट इज सच दैट इट्स रेडियंट इंटेंसिटी, ठीक है, रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी कह लो या फिर रेडियंट इंटेंसिटी कह लो, ठीक है, इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ इंटरवेल, ठीक है भाई, पर यूनिट वेवलेंथ इंटरवेल पे जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है, इट इज मैक्सिमम एट अ वेवलेंथ इतना, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट वन के लिए, फॉर ऑब्जेक्ट ओ वन, इसके लिए क्या था लैम्डा मैक्स कितना आ रहा है 200 नैनोमीटर आ रहा है, टेम्परेचर के बारे में कुछ बताया नहीं बताया, ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्ट ओ टू है उसके लिए लैम्डा मैक्स कुछ बताया, उसके लिए लैम्डा मैक्स बता दिया है आपका 600 नैनोमीटर, और कुछ गिवन है, और कुछ नहीं गिवन है, आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया, अरे पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया को जाना पहचाना सा लग रहा है, पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया क्या कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है आप सभी लोगों को, बिल्कुल लग रहा है जाना पहचाना, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई, पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया पर अगर आप थोड़ा सा पीछे आकर देखते हो, ठीक है, तो यहाँ देखिए भाई, पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया, फिर सिंपली पावर पर यूनिट एरिया करके कह लीजिए, ठीक है, आपको नजर आ रहा है क्या, तो मैंने आपको शुरू में कह ही दिया था कि अगर इतनी चीज़ आप ढंग से समझ जाते हो ना, और साथ में ये वाली चीज़ें भी आप समझ जाते हो, तो आपको सब कुछ स्मूथली समझ आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस वाली चीज़ को इससे कैसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप खुद से क्वेश्चन ट्राई कर लोगे फिर, ठीक है, खुद से एक नया क्वेश्चन बना पाओगे कि ये गिवन होता और ये पूछा होता तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन आपके जैम एग्जामिनेशन में हमेशा ऐसे ही पूछे जाएंगे फॉर्मूला बेस्ड, अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कोई एक फॉर्मूला लगता है, कोई भी एक मान लो बायो सेवर्ट्स लो फलाना डिमका जो मन में आए, किसी भी टॉपिक से कोई भी फॉर्मूला उठा के याद कर लो, ठीक है, कोई भी इमेजिन कर लो, अगर उस फॉर्मूले में आपके पास चार वेरिएबल हैं तो क्वेश्चन में डेफिनेटली ऐसा ही होने वाला है कि कोई भी उनमें से तीन देगा, हो सकता है बिल्कुल डायरेक्टली लिख के दे दे या तो वर्ड्स लैंग्वेज की फॉर्म में थोड़ा घुमा फिरा कर दे, तीन चीज़ें गिवन होंगी चौथी चीज़ पूछ लेगा, इनमें से कोई भी तीन चीज़ गिवन होगी चौथी चीज़ पूछ लेगा, इतना ही है, इतनी ही कहानी है, ठीक है, आपसे यहाँ पर कुछ बिल्कुल कैसे कहें, मतलब आपसे लैब में जो एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं ना वो वाले डायरेक्टली क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल से नहीं पूछेगा आपसे, अजीबोगरीब से आपसे ये चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन पूछने वाला है, पहली बात तो मन में ठान के बैठ जाओ कि भाई सवाल आएगा इजी, जो आपको पता है उससे 100% कर दोगे, कैसा ही मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछ ले, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आज का भैया जो अपना लेक्चर है ये मैं जानबूझकर इस बेसिक टॉपिक से उठा रहा हूँ, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट से उठा रहा हूँ, ठीक है, अभी आप देखोगे सैटरडे तक आते आते, अभी आज वेंसडे है, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आप देखोगे सैटरडे के एंड तक पूरी क्वांटम मैकेनिक्स के PYQ आपके हो जाएंगे, और आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, मैं हर रोज़ ऐसा करूँगा, क्लास से पहले आया आपको मूल मंत्र दे दिया कि भाई यही है इसी से सब हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम सारे क्वेश्चन लगा डालेंगे उसी चीज़ से उसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके लिए, राइट, तो इन सभी चीज़ों को आप ज़रूर आगे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए भाई, ठीक है, अपने दोस्तों तक भी आगे इसको शेयर करा करिए, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओवन के लिए इतना, ऑटो के लिए इतना, तो पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया, पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है इमिसिविटी वगैरह के बारे में, तो बाय डिफॉल्ट इमिसिविटी को क्या ले लोगे वन, अपनी ब्लैक बॉडी को क्या मानोगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी, क्लियर है, बहुत अच्छे, तो सिग्मा टी की पावर 4 ऐसा करके पावर पर यूनिट एरिया आपका हो रहा होगा ना, पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया, या फिर सिंपली पावर पर यूनिट एरिया बोल दीजिए, ठीक है, या फिर एनर्जी डेंसिटी बोल दीजिए एक तरीके से ऐसा, ठीक है, तो यहां पर द रेशियो इन दोनों की पूछी गई है, राइट, आपसे कहा गया कि P1 बाई P2 बताओ मेरे भाई क्या होगा, दिस हैज बीन आस्क्ड टू यू, अब पर यूनिट एरिया कहा गया है, ठीक है, तो एरिया तो यूनिट है, यूनिट एरिया, राइट, एरिया की जगह 1 लिख दीजिए, तो ये आपको कितना आ जाएगा T1 की पावर 4 बाय T2 की पावर 4, यहाँ तक तो आ जाएगा भाई, है ना, तो अब T1 T2 के बारे में तो हमको कुछ भी नहीं बताया सवाल में, हमको बतावे लैम्डा मैक्स वगैरह के बारे में, भाई क्या अपने को अच्छे तरीके से पता है स्टीफंस नॉट स्टीफंस आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो अच्छे से पता है, ठीक है, लैम्डा मैक्स इंटू टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, है, या फिर मैं कह सकता हूँ लैम्डा मैक्स 1 T1 इक्वल टू क्या होगा लैम्डा मैक्स 2 T2 ऐसा करके भी लिख सकते हैं ना, कॉन्स्टेंट है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा, तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 के लिए ऐसा फॉलो होना चाहिए, ठीक है, तो ये लैम्डा मैक्स आपका
ऑब्जेक्ट वन के लिए कितना गिवन है 200 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से टी वन बटे टी टू अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ से मैं टी वन बटे टी टू अगर निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्त, ठीक है। नहीं, खुद निकाल के देख लो भाई। भाई लैम्डा मैक्स 2 कितना है, 600 नैनोमीटर है। लैम्डा मैक्स 1 कितना है, 200 नैनोमीटर है। तो टी वन बटे टी टू कितना हो जाएगा आपका, 600 बटे 200, राइट। यूनिट सेम है, नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 आएगा आपके पास। अगर मैं इस चीज़ को उठाकर यहाँ पटक देता हूँ, उठाकर पटक दिया, क्या मिलेगा भाई आपको, 3 की पावर 4, ठीक है। यानी कि 87 * 81 will be the right answer, ठीक है। 81 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ रहा होगा, क्लियर है। ये बस क्वेश्चन को आप हल्का सा दिमाग में रखिएगा, इस क्वेश्चन को, कि इन दोनों चीजों का मिक्सचर से कैसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं। अच्छा, आगे सवाल डिस्कस करते हैं भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। अब आप सभी लोगों के मन में ये चीज जरूर आएगी कि सर ये ऑप्शंस में एक क्रॉस क्यों लगा हुआ है, कांटे क्यों लगा रखे हैं, ठीक है। आप सभी के मन में आ रहा होगा ना भाई, ये ऑप्शंस में क्रॉस क्यों लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको शुरू में कहकर चलता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप मान लीजिए कि MSQ वाले सेक्शन से हैं, सेक्शन बी से हैं आपके, ठीक है। मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी कि एक या एक से ज्यादा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, आगे आने वाले सारे ऑप्शन, ठीक है। तो आप मुझे बताते जाइए कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, अगर वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट क्रॉस लगाई हुआ है, अदरवाइज हम यहाँ पर टिक मार देंगे ऐसे, जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। स्टार्ट करें भाई, क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ठीक है। अच्छा जी, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के बारे में कहा गया है, यानी कि लैम्डा फिक्स्ड है आपका, ठीक है। लैम्डा लैम्डा वेरी नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ फिक्स वैल्यू है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, ठीक है, सेम वेवलेंथ है। इमिटिंग फोटोन विद एनर्जी ग्रेटर देन दैट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, ऑन अ मेटल अंडर टेस्ट इज यूज्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा भाई, ठीक है। इतना तो अपने को समझ आ गया इस चीज को देख के कि इलेक्ट्रॉन तो निकलने वाला है, ठीक है। क्यों, अरे भाई एक बिल्कुल प्योरली आइडियल केस में क्या होगा, फोटोन आएगा मेटल प्लेट पर टकराएगा और भैया उस इलेक्ट्रॉन की, अब इलेक्ट्रॉन्स में भी दो डिस्कशन होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। अभी के लिए बहुत आसानी से मान लीजिए आपका फोटोन आएगा, ठीक है, एक क्वांटा ऑफ रेडिएशन आएगा, ठीक है, लाइट, राइट, क्वांटा ऑफ लाइट इन पार्टिकल नेचर, वो आएगा प्यार से मेटल पीस पर टकराएगा और वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देगा। कितनी एनर्जी दे देगा, वो पूरी एनर्जी दे देगा, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। कोलिजन वोल्यूजन स्कैटरिंग फलाना डिमका बहुत कुछ होता है, मान के चलते हैं कि वो नेग्लिजिबल इफेक्ट है ऐसा, ठीक है, आइडियल केस लेके चलते हैं। अपन ये मानते हैं कि भाई वो प्यार से आएगा, टकराएगा और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस तक लाने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी, वर्क फंक्शन, ठीक है, उतनी एनर्जी इसको देंगे और इसके अलावा जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा बची फोटोन की, राइट, इस वर्क फंक्शन प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, वो सिंपली आपकी चेंज हो रही होगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में। दैट्स ऑल, दैट्स द सिंपल केस, बस इतना ही है, राइट, इतनी ही कहानी है इसकी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। चलो भाई इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करते हैं। अब आप सभी लोग ऑप्शंस बताइए। एक चीज मैं आपको यहां पर और बता देता हूं, ठीक है, जो भी अपने यहां पर मेटल प्लेट होगी, ठीक है, मान लीजिए आपकी मेटल प्लेट है, ठीक है, से दिस इज योर मेटल प्लेट, ठीक है, और यहां से आपके फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, यहां से आपने रेडिएशन इंसिडेंट करा दिए, ठीक है, HBU एनर्जी गेट, क्लियर है। यहां पर ये आएंगे, टकराएंगे, ये निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, क्या चक्कर है, उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। लेट अस डू द डिस्कशन, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बेसिकली ऐसा ही होता है कि यहां पर मान लीजिए आपकी दो मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है, यहां पर आपका क्लोज चेंबर है, ठीक है, यहां पर आपका एक एमीटर लगा हुआ है, राइट, यहां पर एक वोल्टेज सोर्स भी आप मान लीजिए, ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा होगा ना, यहां पर आप एक दोस्तों वोल्टेज सोर्स भी मान लीजिए, ठीक है, यहां पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, ठीक है, कैथोड एंड एनोड रेस्पेक्टिवली। इस प्रकार यहां पर आप एक काम करिए, बीच में एक एमीटर भी लगा लीजिए, क्लियर है। एमीटर क्यों लगाओगे,
भाई ये इलेक्ट्रॉन आके निकलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बारिश होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग भाग कर इस मेटल प्लेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप इस पोटेंशियल, ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगाया है, ठीक है, कंसिडर इट इज़ ए वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, मतलब फिक्स नहीं है, आप वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हो ऐसा, ठीक है। मान लो आपने इसकी वैल्यू नेगेटिव में ले गए, ठीक है, मान लो इनिशियली 5 वोल्ट था, अब आप 5 वोल्ट से कम कम करके 0-0 तक आते आते इसकी डायरेक्शन आपने चेंज कर दी, यानी कि अब इस वाले प्लेट पर इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज आ गए। तो भैया एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव नेगेटिव राइट कोलंबिक रिपल्शन की वजह से, ठीक है, इस पे तो नेगेटिव भी चार्ज है ही इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से, ठीक है। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको अपन मानते हैं कि भैया इस नेगेटिव रिपल्शन की वजह से वो रुक जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो उसको हम कहेंगे कि भैया उस केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी के, उस सेंस में हम यहां पर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस वोल्टेज सोर्स की जो रीडिंग थी, आप कह लीजिए वो कुछ Vs थी, राइट, उस नेगेटिव वैल्यूज पर, ठीक है। तो यहां पर उन्हीं नेगेटिव वैल्यूज के बारे में बात हो रही होती, और काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फोटोन आया जिसकी एनर्जी थी एच म्यू, एक फोटोन आया जिसकी एनर्जी थी एच म्यू, ठीक है। उस एच म्यू एनर्जी में से कुछ एनर्जी स्पेंट हुई किस चीज में, उसमें से कुछ एनर्जी स्पेंट हुई आपके इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के केस में, उस मटेरियल के वर्क फंक्शन के केस में, ठीक है भाई। वर्क फंक्शन मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वर्क फंक्शन, ठीक है। यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को मटेरियल की सरफेस तक, मेटल की सरफेस तक लाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी उसको हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। तो ये जो फोटोन की एनर्जी थी टोटल एच म्यू, ये एच म्यू कहाँ गई, इस एच म्यू को मैं क्या कहूँगा, ये कहाँ कहाँ गई। एक तो मैं कहूँगा भाई कि भाई इस वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में गई, इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस तक लाने में गई, प्लस इसके अलावा जितनी एनर्जी, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई वर्क फंक्शन के अलावा, वो सारी की सारी इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चली जा रही होगी इस प्रकार, वाया द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सो एंड सो ऑन, इस प्रकार, क्लियर है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख पाऊंगा, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है जी, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन में बिल्कुल आसान शब्दों में लिख पाऊंगा, या फिर वर्क फंक्शन को आप चाहते हो, ठीक है, चलो एक बार यहीं पे लिख लेते हैं। वर्क फंक्शन को अगर आप चाहते हो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिख सकते हो, एच म्यू नोट ऐसा करके, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह की टर्म्स में आप लिख सकते हो चाहो तो, क्लियर है। ये क्या आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आपको बताओ ना, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटोन की, राइट, जिसको आप इंसिडेंट करो और वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के ऊपर तक आ जाए, ठीक है, ऐसा करके। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन की जगह पर मैं इसी को लिख देता हूँ एच म्यू नोट, ठीक है जी। और ये क्या है वर्क फंक्शन, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये म्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको मैं कह रहा हूँ, ये क्या है, ये मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। और इक्वल टू में क्या है, ई वी एस, अगर मैं इस चार्ज ई से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, तो अपने पास इस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी। यहाँ से एक चीज़ मुझे स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है कि ये जो अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो फोटोन था उसकी एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, या फिर कह लो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी थी उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहां पर कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। ये एक बहुत बहुत गजब का क्वांटम फिनोमेनन था भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग भाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ऐसी थोड़ी क्वांटम मैकेनिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, ठीक है, इनिशियल फेज में कि हाँ भाई कुछ तो अलग मिला था, राइट। क्लासिकली आप क्या देखते हो, आपके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर आपने कुछ एफ फोर्स लगाई। अगर आप सोच के देखो, मान लो कुछ एफ फोर्स है, जैसे कैसे बताऊं, मान लो ये पानी की बोतल है भाई, ठीक है, ये पानी की बोतल है, इस पे मैंने यहां से कुछ फोर्स लगाई।
अब हो सकता है कि पानी की बोतल पूरी भरी हुई हो और मैंने बहुत कम फोर्स लगाई तो ये पानी की बोतल नहीं मूव करी, हिली नहीं। लेकिन क्लासिकली ऐसा होगा कि अगर मैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये कॉन्टिन्यूस फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स लगाते 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 एक टाइम के बाद ये चीज क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, ये क्लासिकली आप सोच के देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होता फॉर द केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, अगर सफिशियंट एनर्जी का फोटोन नहीं आया, मान लो भैया आपका वर्क फंक्शन कितना था, वर्क फंक्शन मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, बिल्कुल एक रैंडम नंबर में ले रहा हूं, असलियत से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ठीक है, यानी कि एच म्यू नॉट की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि यार मैं अपने इस मटेरियल पर, उस मेटल पर जिसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, मैं वहां पर अगर 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इतनी एनर्जी का एक फोटोन इंसिडेंट करा देता हूं, अब चाहे मैं ऐसे कितने ही फोटोन इंसिडेंट करा लूं, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, और चाहे मैं पूरा जीवन भर इंसिडेंट कराता रहूं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही चीज को थोड़ा अलग बनाती है, थोड़ा खास बनाती है। क्लियर है जी? अब ऐसा क्यों होगा, आपके मन में ये भी सवाल आएगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन जो इस चीज के पीछे है, बिल्कुल आसान, सबसे आसान पॉसिबल शब्दों में जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये है, ऐसा क्यों हो रहा होगा, व्हाई सो, क्वांटम मैकेनिकली ऐसा क्या अलग हो रहा है भाई? क्लासिकली तो हमको पता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर्स लगाओगे तो आफ्टर सम टाइम इट विल एक्ट राइट, इट विल चेंज द सिस्टम राइट, इट विल चेंज द डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम। क्वांटम मैकेनिकली आप कह रहे हो सर कि एक फोटोन, दो फोटोन, 50 फोटोन, चाहे पूरे जीवन भर के लिए लगाए रहो, इंसिडेंट कराते रहो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, ऐसा क्यों? बहुत आसान शब्दों में आप समझ लीजिए, एनर्जी आपकी क्लासिकल वर्ल्ड में हम अक्सर देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस होती है, अक्सर क्लासिकल वर्ल्ड में अक्सर हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस होती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप बाउंड सिस्टम्स के लिए डिस्कशन करते हो, ठीक है, बाउंड सिस्टम से मेरा मतलब है जहां आपकी एनर्जी नेगेटिव हो, ठीक है, इस तरीके से आप कह लीजिए, तो वहां पर आपको क्या मिलता है, वहां पर आपको डिस्क्रीटनेस इन एनर्जी मिलती है, एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं मिलेगी आपको, ऐसा नहीं कि इसके बाद ये एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा कुछ बीच में गैप होगा और इसके बाद सीधी ये एनर्जी आपको मिल रही होगी, बीच में कोई एनर्जी की वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कारण है कि भैया यहां से आप चाहे यहां तक इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो, लेकिन अगर यहां तक नहीं पहुंचे ना, तो आपके कोई मतलब नहीं है कि इतनी थी या इतनी थी या इतनी थी, अगर यहां तक नहीं पहुंच रहे तो आपका सिस्टम चेंज नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों में ऐसा, भाई मतलब भी जानना जरूरी है ना। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी, है ना, मतलब भी आपको समझ आया होगा, क्यों, क्या, कैसे। अब एक चीज और देखते हैं दोस्तों, यहां मैंने एमीटर लगा रखा है, ये एमीटर क्या मेजर करेगा, ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फोटोन मेटल प्लेट पर आके टकराया राइट, और फोटोन में इतनी एनर्जी थी कि वर्क फंक्शन को ओवरकम कर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन रख पा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स विद सम काइनेटिक एनर्जी के ही ऐसा कुछ मान लो, कुछ काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, है ना, टुवर्ड्स दिस मेटल प्लेट। अब आप पूछोगे सर इसकी तरफ क्यों कर रहे हैं, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं जा रहे, भाई उधर भी जा रहे हैं, लेकिन यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज था इनिशियली, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा भाग रहे हैं और हम मेनली इधर ही फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो मेरा करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मीटर जो है, ठीक है, ये जो मेरा डिवाइस है, ये तो भाई इसी मेटल प्लेट से कनेक्टेड है, ये तो बस यही नापेगा ना कि कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स आए और यहाँ पर एमीटर के थ्रू गए। ठीक है, इस फोटो करंट को तो यही मापेगा, है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। भाई सो, अरे यार फोटो इलेक्ट्रॉन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि फोटोन्स के टकराने पर ही इन इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई, और कुछ नहीं। ठीक है, इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका क्या मिल रहा है, फोटो करंट मिल रहा है। यानी कि एक चीज तो मैं कह सकता हूं बड़े धूमधाम तरीके से कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ फोटोन्स अगर मैं इंक्रीज करता हूं, ठीक है, मान लो कुछ वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी वाले, ठीक है, अगर मैं फोटोन्स के नंबर ऑफ फोटोन्स जो कि इंसिडेंट है मेटल प्लेट पर, अगर मैं इन्हें इंक्रीज करता हूं, तो यार ये तो सत्य है कि इनके कोरिस्पोंडिंगली मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये भी इंक्रीज होंगे, है कि नहीं है भाई, बताओ।
अरे भाई जितने ज्यादा फोटोन टकराएंगे हायर एनर्जीज वाले, ठीक है, मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जीज वाले, उतने ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो गए ना। और यहां पर यह भी माना जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन आया, सॉरी एक फोटोन आया प्यार से टकराकर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, ऐसा भी यहां पर आइडल केस में माना जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंगली मैं आगे और क्या कह सकता हूँ भाई, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यार नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ती जा रही है तो करंट भी बढ़ेगा। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूँ कि अपना जो फोटो करंट है ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस चीज को भी आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मोस्ट ऑफ पार्ट आपका यहां से कवर हो रहा होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया का सारा ज्ञान आपने इन टॉपिक से रिलेटेड अभी प्राप्त कर लिया है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्राप्त कर लिया है। ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आप ठोक के आ सकते हो उतना आपने कर लिया है। अब क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। ठीक है, एक सेकंड ऑप्शन देख लें। ठीक है, इतना बहुत है। देखो जरा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपके पास एक मेटल प्लेट है, ठीक है, एक मेटल प्लेट है, उस पर कुछ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यानी कि वेवलेंथ फिक्स है, वेवलेंथ फिक्स है, या फिर कोरस्पॉन्डिंगली कह लो कि फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, फिक्स फ्रीक्वेंसी यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी के फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, मतलब बहुत सारे, और उनकी एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरे कथन नहीं है, सवाल में कहा हुआ है। ठीक है, उसके आगे कह रहा है, इफ द पावर ऑफ द लाइट सोर्स इज डबल, यानी कि लाइट सोर्स की जो पावर है वो अगर डबल हो जाती है तो इन ऑप्शन में से कौन कौन से सही हो सकते हैं। पावर डबल होने का क्या मतलब है, पावर डबल होने का क्या मतलब है, अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बात करूं, इंटेंसिटी, ठीक है, अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बात करूं तो सिंपली मैं पावर पर यूनिट एरिया कहूंगा, या फिर कहूंगा एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब पावर और यहां पर एरिया है ना, इस प्रकार मैं कहूंगा। एनर्जी मान लो कुछ एन नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ उस बीम में कुछ एन नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स इंटू एक फोटोन की जो एनर्जी होगी उतनी, ठीक है, एच म्यू। अब ये क्यों लिखा, अरे भाई क्वेश्चन में फिक्स गिवन है ना कि भाई यार मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, लैम्डा इज फिक्स, लैम्डा फिक्स है तो आ गया, लैम्डा फिक्स है तो आपका कोरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स, फिक्स से मेरा मतलब है कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो म्यू भी कोरस्पॉन्डिंगली कॉन्स्टेंट आएगा, है ना, तो इस प्रकार से आपकी चीजें हैं, और डिवाइड बाय टाइम इनटू एरिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पावर डबल कर दी, पावर डबल कर दी, अच्छा जी पावर डबल कर दी, यार एच म्यू ये वाली चीज तो मेरी क्या है, फिक्स है, इट इज फिक्स्ड, और एरिया भी मैं तो कहता हूं एरिया भी फिक्स है। अब भाई हम कहां बात कर रहे हैं, हम कहां डिस्कस कर रहे हैं कि एरिया चेंज हो रहा है, कहां कहां जिक्र हुआ क्वेश्चन के अंदर एरिया चेंज हो रहा है, तो हम यहां पर इतनी चीज को कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, फिक्स मान के चलेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि पावर डबल हो जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि पावर डबल हो जा रही है, यही तो कहा है ना क्वेश्चन में, इफ द पावर ऑफ द लाइट सोर्स इज डबल्ड। ठीक है, पावर डबल होने से उसका मतलब है, क्वेश्चन में जो कहा गया पावर डबल होने से उनका मतलब है कि ये चीज डबल हो जाएगी, इट डबल्स, ये चीज डबल हो जाएगी। पावर डबल होने का अर्थ यहां पर कहा गया है कि ये चीज डबल हो जाएगी, या फिर कह लो इंटेंसिटी आपके यहां पर डबल हो रही होगी। ठीक है, इस तरीके से अगर ऐसा है, अगर इस चीज में सच्चाई है, ठीक है, तो अब ऑप्शंस पर आकर देखो क्या क्या होगा। एक तो यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स वगैरह चेंज होंगे, राइट, मतलब बढ़ रहे हैं, इट इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज एंड कोरस्पॉन्डिंगली द फोटो करंट विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये वाली चीज है। ऑप्शन इज रिलेटेड कोई, ऑप्शन ए कह रहा है कि द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन द सेम। अरे क्यों भाई, है भाई, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि इंसिडेंट हैं, जो कि वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी कंटेन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, डेफिनेटली होगी ना, तो हमको काइनेटिक एनर्जी है तो यहां पर फोटो करंट भी ऑब्जर्व होगा, क्लियर कट बात है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन सेम, क्यों रिमेन सेम भाई, नहीं होंगे ना रिमेन सेम, बढ़ेंगे यार। ठीक है, अपने को साफ साफ दिख रहा है, दे विल इंक्रीज, है ना, या फिर वो कह देता कि नंबर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, या फिर कह देता फोटो करंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं कहता भैया ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए कह रहा है कि ये सेम रहेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है,
इस पे तो मैं तो कह रहा हूँ दो तीन कांटे से मार दो, ले भाई ठीक है, बहुत गलत। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, चलो ऑप्शन बी देखता हूँ। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेंस द सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल, या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, क्या ये अभी अभी हमने लिटिल लिटिल चर्चा करी, क्या मैंने कहा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स वगैरह है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, उतना डिपेंड कर रहा है कि जो फोटो इंसिडेंट हो रहे हैं उनमें एनर्जी कितनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है भैया, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कहा गया क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। तो यानी कि म्यू अगर आपका फिक्स है और वर्क फंक्शन यानी कि जो मटेरियल था मटेरियल अब भी वही है, यानी कि वर्क फंक्शन उस मटेरियल के तो सेम ही रहेगा है ना, और म्यू आपका ये भी फिक्स है ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स शब्द गिवन है, तो वहां से हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो फिक्स जो इंसिडेंट हो रही है फोटोन की, ठीक है। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये आपका सेम रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, सही दिशा की ओर इशारा कर रहा है ना। ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। भाई डिक्रीज क्यों होंगे, अब भाई मुझे बात बताओ, जब अपना पावर बढ़ रही है ठीक है, पावर बढ़ रही है यानी कि हम क्या कह सकते हैं, और ये चीज जब फिक्स है तो हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो रहे होंगे पर यूनिट टाइम बढ़ रहे होंगे, समय के साथ नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स जो है वो बढ़ रहे होंगे, और अगर सारे के सारे फोटॉन सफिशियंट एनर्जी के हैं राइट, तो डेफिनेटली कुछ इलेक्ट्रॉन्स हर फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी निकल निकल कर आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर सी गलत है, डिक्रीज नहीं होगा मेरे भाई, इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है ठीक है, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल हो जाएगा, भाई चेंज ही नहीं होगा ठीक है, अभी अभी हमने ऑप्शन बी में देखा ये तो चेंज ही नहीं होगा ठीक है, कम ज्यादा हो जाना अलग बात है, चेंज ही नहीं होगा हम कह रहे हैं, क्लियर है। अब मुझे एक दिल पे हाथ रख के बात बताओ यार, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए या फिर जो जो चीजें पूछी जा सकती हैं ठीक है, क्या वो सारी चीज आपको अब क्लियर है। एटमैक्स आपको सैचुरेशन करंट वगैरह के बारे में कुछ पूछना होगा है ना, एटमैक्स आपको सैचुरेशन करंट वगैरह के बारे में पूछना होगा है ना, ऐसा ही कुछ। अरे हेलो आकाश कुमार कैसे हो भाई, क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड चीजें क्लियर है, जो बताया उतना क्लियर है भाई। इसके अलावा भी हम कई सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं ठीक है, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा तब क्या करेंगे ठीक है, ठीक है जी। सैचुरेशन करंट क्या हमारा सेम आता है, वो सब वो सारी चीजें हम देख सकते हैं, क्लियर है ठीक है। तो आई होप ये वाला सवाल आपको क्लियर होगा। अब आते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर ठीक है, ये सवाल आपका जैम 2016 का, सवाल को देखो फटाफट से और अब तो सॉल्व कर दो ठीक है, अब तो मेरे भाई सॉल्व कर डालो, बिल्कुल एकदम सॉल्व कर दो ठीक है, अब तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा सवाल, मैं पूरा समझाता हूँ अच्छे से कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट बोथ सोडियम एंड टंगस्टन, ठीक है, सोडियम और टंगस्टन मेटल्स वर इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड का मतलब उनके ऊपर कुछ रेडिएशन इंसिडेंट कराई गई रेडिएशन ठीक है। Metals were, these both the metal, metals were illuminated by an ultraviolet light of same wavelength, यानी कि same frequency वाली, भाई wavelength same है तो कह सकते हैं ना यार कि रे भाई अगर मैं कहता हूं कि मेरा medium same है, अब ऐसा नहीं कि आपने पहले हवा में करा ठीक है sodium के लिए, फिर metal के लिए पानी में जाके कर रहे हो experiment, ऐसे नहीं है, हम मान लेते हैं कि surrounding same है, जो refractive index था system का वो same है ठीक है, सेम है दोनों के लिए ऐसा मान लेते हैं। तो उस केस में अगर कह रहा है कि लैम्डा सेम होगा तो हम कह सकते हैं ना कि म्यू भी सेम होगा, बिल्कुल कह सकते हैं है ना, राइट क्लियर। चलो जी, तो यहां से कंक्लूजन अपने को निकल के आ रहा है कि सेम वेवलेंथ कहा गया है, यानी कि देयर फॉर वी कैन से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी अपना क्या होगा, सेम होगा दोनों के लिए। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर टंगस्टन इज मेजर्ड टू बी इतना इतना, अच्छा क्वेश्चन में वर्क फंक्शन भी गिवन है ना, वर्क फंक्शन ऑफ ये कितना गिवन है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन फॉर टंगस्टन ठीक है, टंगस्टन तो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं ठीक है, ये कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी, सेम वेवलेंथ से इल्यूमिनेट करा गया उसके, इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर टंगस्टन इज मेजर टू बी 1.8, अच्छा यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां लिखे तो यही लिख लेते हैं, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन वन भी छोड़े, इंपॉर्टेंट करके लिख लेते हैं ठीक है।
इस प्रकार, तो हमसे पूछा गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सोडियम क्या होगा। आसान सवाल है। हाँ भाई, क्या सवाल आसान है? काफी आसान है। निकालो कैसे? यहां पर टंगस्टन के लिए मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, यानी कि टंगस्टन के लिए अगर मैं लिखता हूं EVS इक्वल टू HMU माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन टंगस्टन का कितना है? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है भाई। ठीक है, तो यहां से और VS कहां गया? हाँ, ये आपका 1.8 वोल्ट गिवन है। ठीक है, तो यहां से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट HMU माइनस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि HMU यहां से आपका कितना आ रहा है? कितना आएगा भाई? 4.5 प्लस 1.8, 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा करके आ रहा है कि नहीं? अब आप कहोगे सर ये तो HMU म्यू की वैल्यू आ गई, किस केस में आई? अरे भाई, सवाल में जब कह दिया गया है कि म्यू सेम है दोनों सिस्टम के लिए, तो HMU की वैल्यू भी तो सेम होगी, 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं अपने अब सोडियम वाले केस के लिए लिखता हूं, डिस्कस करता हूं, तो वहां पर क्या आएगा भाई? सोडियम वाले केस के लिए आप क्या लिख सकते हो? सोडियम वाले केस के लिए भी सिमिलर काइंड, सिमिलर सेंस में लिख सकते हो कि EVS फॉर सोडियम इट विल बी इक्वल टू HMU माइनस द वर्क फंक्शन फॉर सोडियम। सोडियम का वर्क फंक्शन कितना गिवन है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और HMU, म्यू सेम है दोनों सिस्टम के लिए, तो HMU की वैल्यू भी सेम उठा के पटक देंगे, 6.3 माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब यूनिट्स वोल्ट्स में लानी है ना आपको। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन इससे डिवाइड कर दो या फिर कह दो कि दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो भाई आपका आंसर यहाँ पर 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 4 वोल्ट आ जाएगा आंसर। क्या यहाँ तक सिस्टम क्लियर है भाई? क्या सब कुछ स्पष्ट रूप से अच्छे से नजर आ रहा है आपको? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, कैसे है, क्या कह रहे हो भाई आकाश? सोमरफील्ड मॉडल से भी क्वेश्चन आते हैं? नहीं भाई, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं। और भाई सोमरफील्ड मॉडल में मेनली आपके लिए एक ही दो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि क्या कंजर्व था, बेसिक अजम्पशन क्या थे, उसने क्या सुधार लाया था बोहर मॉडल वगैरह के ऊपर। ठीक है, बस इतना ही इनफ है आपके लिए, उससे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं, आते नहीं है। क्लियर? ठीक है, विशाल कुमार क्या बोल रहे हो सर? मोहब्बत क्या होती, मोहब्बत क्या होती भाई? आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आसानी से समझ जाओगे, वो समझना थोड़ा कठिन पड़ता है। ठीक है, ओके, तो ये वाला सवाल भी दोस्तों मुझे लगता है आपको क्लियर कट नजर आया होगा। अब सवाल में ना हर एक चीज का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि भाई अंधाधुंध कुछ भी बोल दिया कि ये वेवलेंथ सेम है तो क्या करेंगे भाई, इसका स्पेसिफिक मीनिंग है। अगर क्वेश्चन में मैं कहता हूं ना कि सेम वेवलेंथ है, ठीक है, दे आर इल्यूमिनेटेड बाय द सेम वेवलेंथ, ये वाली लाइन मिसिंग होती तो बच्चे आप क्लेम कर सकते हो कि भाई क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था और कुछ और डेटा भी नहीं गिवन है, तो मैंने मान लिया कि सेम आपकी वेवलेंथ या फिर सेम लाइट ही आपकी इल्यूमिनेट करी गई थी दोनों मेटल्स पे, तो इस तरीके से आप अजम्पशन ले सकते हो। और IIT जैम एग्जाम की खासियत है कि वो हर क्वेश्चन को इतना खोल कर अच्छे से एक्सप्लेन कर लिखता है कि कोई कमी ना रहे, बच्चों को सब नजर आ जाए कि हाँ इस केस में ऐसा ऐसा ये, ठीक है, और निकालो, तो बहुत आसान रहता है। जबकि आप देखोगे कभी कभी DU के एग्जामिनेशन में या फिर GNU या फिर BHU में तो काफ़ी दिक्कत होती है भाई। ठीक है, BHU वाले जो एग्जामिनर होते हैं वो पता नहीं क्यों मान लेते हैं कि बच्चा खुद से एज्यूम कर लेगा कि इस केस में बात हो रही होगी, वो कुछ मेंशन ही नहीं करते कि हाँ इस केस में सोचो, इस केस में बताओ क्या होगा, वो बस बेसिक सा लिख देते हैं कि फाइंड दिस एंड दिस एंड दिस फॉर दिस, किस केस में, किस एनवायरनमेंट में, क्या कंडीशन लेनी है, कुछ भी नहीं बताते। ठीक है, जैम में बताते हैं सब कुछ, खासियत है भाई जैम की। क्लियर है, तो ठीक है, मुझे लगता है ये सवाल भी आपका दोस्तों हो गया होगा। अगले सवाल पर आते हैं, ये भी आपका मान लीजिए कि MSQ ही है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब आपका कोई सर ये तो न्यूमेरिकल वाला, एक से ज़्यादा कैसे करेक्ट हो सकते हैं, ये भी सत्य है भाई। ठीक है, बताओ जरा, ये जैम 2014 का सवाल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, अच्छा ऑन अ, क्या कह रहा है, अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ ये, अच्छा, फॉल्स ऑन अ फोटो कैथोड विद वर्क फंक्शन इतना द स्टॉपिंग पोटेंशियल। भाई ये तो बिल्कुल फॉर्मूला था, पूछ लिया
ये तो मेरे भाई फॉर्मूला सा पूछ लिया। ठीक है, एच सी की वैल्यू आप सभी को याद है? बताओ, एच सी की वैल्यू आप सभी को याद है? याद कर लेना भाई, ये अक्सर अक्सर क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, एच सी वगैरह की वैल्यू अक्सर वहां पर इस्तेमाल हो जाती है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो एच सी की वैल्यू आप सभी लोग याद भी रख लीजिएगा अगर हो सके तो। क्लियर है? ठीक है, तो 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा करके रहता है। ठीक है, ओके। लैम्डा कितना गिवन है? 320 नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनोमीटर नैनोमीटर यूनिट उड़ गई। क्लियर है? ओके, और ये जीरो से जीरो उड़ गया, 32 से इसको उड़ा उड़ा देना, जो भी कैलकुलेशन आ रही है रिस्पेक्टिवली कर लोगे। और वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके आपको गिवन थी। ठीक है, तो यहां से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं, राइट, यानी कि वीएस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखते हो कि राइट हैंड साइड में जो चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन यूनिट्स में दे रखी है, है ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह इन यूनिट्स में दे रखे हैं। क्या कह रहे हो? 12375, हाँ रफली 1238 हम ऐसा करके लिख देते हैं, सही कह रहे हो। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ना मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेटली लगा देता हूँ। ठीक है, रफ सेंस में बिल्कुल आप सही कह रहे हो आकाश, रफ सेंस में हम 1240 भी लगभग लिख देते हैं। चलो 1238 लिखना ज्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, सही कह रहे हो। ठीक है, ये लिखना ज्यादा प्रिसाइज होगा, लेकिन ये याद रखना थोड़ा मुश्किल पड़ता है ना, तो 1240 लिख के कैलकुलेशन करते हैं और वो वैलिड मानी जाती है। क्लियर है? या तो क्वेश्चन में ही दे दे भाई एच सी की वैल्यू है। ठीक है, ना दे तो 1240 लेके चल दोगे और वो काम करेगी, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन वाले यूनिट्स को उड़ा दो, वीएस आपका समथिंग वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, वोल्ट्स। क्लियर है? तो इस प्रकार आपका आंसर आ रहा होगा। एक बार भाई थोड़ा गणित बिठाओ, कितना आंसर आ रहा है? अब भाई फटाफट से एक बार थोड़ा सा गणित बिठाओ, किसका क्या कितना आंसर आ रहा है? आंसर आ भी रहा है, नहीं आ रहा है भाई? मेन बात है कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही। ठीक है, कि आपको समझ आए कि भाई चल क्या रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई, बताओ? ठीक है, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.8 वोल्ट आ रहा होगा ना, 1.7 समथिंग, है ना, ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली भाई क्वेश्चन में भी लिखा है ना, क्लोज टू आपको बताना है। वो क्लोज टू वाला शब्द इस चीज की वजह से लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में हर चीज का मतलब होता है जो लिखा जाता है। ये क्लोज टू करके जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कहा गया है ना, वो इस वाली डिस्क्रिपेंसी की वजह से लिखा गया है कि एच सी की वैल्यू बच्चे को रटी हुई क्यों हो। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बच्चा कैलकुलेशन में क्यों टाइम वेस्ट करे इतना। ठीक है, अगर बच्चे को लॉजिक आता है, पता है किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कब क्या होता है, ठीक है, तो एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि बच्चा टाइम वेस्ट करे, सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता एग्जामिनर। जैम एग्जामिनेशन बहुत लॉजिकल बेस्ड आता है, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। आप अक्सर देखोगे इवन एनएटी वाले में जहां पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप लिखने होते हैं, वहां भी कंसेप्चुअल होते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। हाँ, एक दो क्वेश्चन आते हैं वैसे बिल्कुल चुनू मुन्नू से, 2+2=4 ऑप्शन भी ऐसे भी आते हैं, एक दो क्वेश्चन, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल ही मोस्टली रहते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके पूछ लेता है, राइट। और आप ये मानकर चल लो कि जैम एग्जामिनेशन में 60 सवाल में से करीब करीब मैं कहूँगा 30 के आसपास सवाल, राइट, 30 के आसपास सवाल आपके काफ़ी काफ़ी आसान होते हैं। काफी आसान से मेरा मतलब है, अगर किसी बच्चे ने पूरी तैयारी के दौरान भी एक बार भी ढंग से तैयारी करी हो, मतलब पूरा अच्छे से पढ़ा हो, एक बार भी क्वेश्चन सॉल्व करे हो, तो उन क्वेश्चंस को हल्का हल्का उसको ध्यान में हो, याद हो, तो वहां पर वो बहुत आसानी से देख के टिक मार के आ जाएगा। ठीक है, उसको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, दिमाग पे बहुत जोर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं मतलब जैम एग्जामिनेशन में। और भाई आपको देखो भी तो कितने मार्क्स लाने हैं, 55-60 लाने हैं। ठीक है,
पचपन साठ अगर आप ले आते हो 100 में से, ठीक है भाई आपके तो मौज है, ठीक है आप तो किसी मस्त आईटी में बैठे होगे तगड़ी सी में, क्लियर है। सो दिस इज द केस। और भाई जब मैं कह रहा हूँ 30 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, इतने आसान कि एक बिलो एवरेज बच्चा, काफी बिलो एवरेज बच्चा भी एक बार ढंग से रगड़ा लगा कर मेहनत कर दे तो वो ले आएगा 50 55 60, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि 90 100 में से 90 मार्क्स ला पाना मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। अब तक आए भी नहीं है, ठीक है ऐसा है, लेकिन 55 60 ले पाना बहुत मुश्किल नहीं है, इट इज़ नॉट अ सच अ बिग डील, ठीक है। आप ला सकते हो, मोस्ट ऑफ यू ला सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखिए, थोड़ा सा हम पे भरोसा रखिए, ठीक है। तो चलिए भाई इस सवाल पर अभी आप फर्दर डिस्कशन करिए। यहाँ पर क्या है, लाइट इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, ठीक है, ए नोट साइन ये प्लस साइन ये। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो ना ओमेगा की दो वैल्यूज गिवन है, है ना, ओमेगा की दो वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा की कौन सी वैल्यू लोगे आप, मतलब ओमेगा कह लो या फिर मैं म्यू मेनली फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करना चाहता हूँ, राइट, जो मेरा फोटोन है। अब ये मत डर जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमटी आ गया, ईएमटी आ गया, अरे भाई जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन को भाई ईएम वेव ही तो बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे। ईएम वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना, बिल्कुल लिखते हैं, किसी ईएम वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो तो वहां से साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी प्लस फाई ऐसा करके टर्म आती है, आती है, बिल्कुल पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं प्लेन वेव के केस में, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां से हमको ओमेगा की वैल्यू पता चलेगी, या फिर 2π μ, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, राइट। अरे भाई ओमेगा नोट यहां से पता चल जाएगा ना, ओमेगा नोट किसका कितना है, या फिर सिंपल ओमेगा किसका कितना है, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है आपका 2π μ, ये म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, अगर आप पार्टिकल नेचर में बोलो उसी चीज को, राइट। तो इस प्रकार हो जाएगा, राइट। और आपको पता है कि इस फ्रीक्वेंसी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ही तो डिसाइड करता है कि आपकी फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, है कि नहीं, सही बात है यार, यही तो डिसाइड करता है कि आपको फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, सही बात है। और आपको ये भी पता है कि आप जब जब स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह के बारे में बात करते हो तो आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटोन के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले। अब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब आएगा, भाई मैंने आपको बताया था एचमू एनर्जी फोटोन की आती है, टकराती है, वर्क फंक्शन का ओवरकम करती है, राइट, इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे ले आने के लिए, राइट। अब उसके पास जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बची एचमू में से, इसको हटाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बची वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बदल जाती है, ये बताया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए आपको क्या होना, क्या देखना पड़ेगा कि भाई इंसिडेंट फोटोन जो है उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें देख पाओगे, ओमेगा की दो वैल्यू या फिर कह लो फ्रीक्वेंसी म्यू की दो वैल्यू, है ना, ठीक है, म्यू की दो वैल्यू देख पाओगे, एक तो ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसको चूज करें, भाई मैं जब जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूंगा, ठीक है, तो मैं हमेशा इस वाले को लेकर चलूंगा, ठीक है, इतनी चीज मेरे दिमाग में रहेगी, क्यों कैसे कनेक्शन मैंने बिठा, ठीक है जी। अब इसके आगे सॉल्व कर पाना बहुत आसान है, क्वेश्चन में वर्क फंक्शन गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उठा के पटक दोगे यहां पर, क्लियर है। एच म्यू, म्यू क्या आप यहां से निकाल सकते हो, ओमेगा किसको यूज करोगे, इसको यूज करोगे, ठीक है, ओमेगा ये ज्यादा है इसको यूज करोगे, क्या कह रहे हो, 2 महीने में रिविजन होगा, भाई बिल्कुल यहां से तो डेफिनेटली आपका होगा ही, ठीक है आकाश कुमार, 100% भाई यहां से तो आपका रिविजन होने ही वाला है, क्लियर है। और आपको भी अगर आप कहते हो कि सर क्या हम खुद से रिवीजन कर पाएंगे या साथ में लग के रिवीजन कर पाएंगे, तो मेरा जवाब होगा भाई बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक आप कर पाओगे, क्लियर है, ऐसा कुछ कठिनाई आपको झेलनी नहीं पड़ेगी तैयारी के दौरान, बिल्कुल कर पाओगे, क्लियर है, ठीक है। तो यहां से आप एच म्यू की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, राइट, अरे भाई ये आपका ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा को 2π μ लिख दो, ठीक है, ओमेगा को 2π μ लिख दोगे तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, उठा के यहाँ पटक दोगे, राइट, और एच म्यू आपको चलो एच से मल्टीप्लाई कर देना 6.63 × 10⁻³¹, ठीक है, यानी कि ले देगा आपके पास इस चीज़ की वैल्यू मिल जाने वाली है, इतना क्लियर है। क्वेश्चन में अपने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा गया था तो हम यहाँ से इस प्रकार बता सकते हैं। मेरा एक आपसे सवाल होगा कि अगर क्वेश्चन में कहता कि मुझे बताइए, ठीक है,
मुझे बताइए कि अगर मैं आपको कहूं कि मानो कंसीडर कि फोटोन आया, टकराया और अपनी पूरी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दे रहा है, ऐसा नहीं कि स्कैटरिंग हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है और एनर्जी लॉस हो रही है, नहीं नहीं, आइडल केस मानो, फोटोन आया, टकराया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, ले भाई पूरी एनर्जी ले, सोप पूरी एच में एनर्जी ले ले, तो उस केस में अगर आपसे पूछ लेता कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लेते भाई, वर्क फंक्शन तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये तो सेम ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, मतलब कोई एक मटेरियल है, मेटल है कोई, तो उसके लिए तो वर्क फंक्शन सेम है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा जब तक आप इसकी जगह कोई दूसरा मेटल उठा के रख दोगे, राइट, वो तो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे रेजिस्टिविटी है, तो यहां पर आप इस चीज को मिनिमम ले रहे होगे, और ये मिनिमम कहां से आएगी, यहां से आएगी, तो अलग अलग क्वेश्चन जो भी आपके बनाए जा सकते हैं इस प्रकार आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, मुझे लगता है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा, है ना, ये एक सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी जस्ट अभी डिस्कस करा, ठीक है, जस्ट अभी, यहां क्या लिखा है, साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा नोट टी, ऐसा करके लिखा है, तो टू साइन ए कोस भी लगा दोगे भाई, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, तो यहां पर अपने को निकालना क्या वो देखो, यानी कि यहां पर अपने पास तीन फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी, एक तो ओमेगा नोट, एक ओमेगा प्लस ओमेगा नोट, एक ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, तो इन तीनों में से मैक्सिमम वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, ओमेगा प्लस ओमेगा नोट, क्या ओमेगा नोट और ओमेगा की दोनों की वैल्यूज गिवन है, हाँ जी गिवन है, तो इस हिसाब से हम आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम इस तरीके से निकाल लेंगे, क्या सभी को क्लियर है भाई, समझ आ रही हैं चीजें, आपसे अब तक जो जो सवाल पूछे गए हैं वो कैसे होने थे, उनके पीछे के क्या कॉन्सेप्ट हैं, सब कुछ क्लियर है, आज बहुत बेसिक एलिमेंटल टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है, कल के लेक्चर में हम और इससे आगे बढ़ जाएंगे और मजा दुगना हो जाएगा यार, ये मान लो, ठीक है, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि मजा दुगना हो जाएगा कल के लेक्चर से, ठीक है, और जब मैंने आपको कह दिया कि भाई थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आज के अलावा तीन दिन और हैं, मैं आपका पूरा क्वांटम मैकेनिक 100% कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट विद PYQ, ठीक है, तो अब वो मानकर चल लो, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई फ्राइडे तक हमारे कुछ ही टॉपिक हो पाए और सैटरडे को कई टॉपिक रह गए, तो भाई चाहे मुझे यहाँ 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे बैठना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करके जाएंगे, क्लियर है, इतना मैंने आपको कह दिया आज, ठीक है, तो बिल्कुल भाई ये सारी चीजें हो रही होंगी धूमधाम तरीके से हो रही होंगी, ठीक है, आप सभी को बस एक काम करना है, ठीक है, आप सभी को भाई रेगुलर रहना है, ठीक है, जो जो लोग अभी लाइव में देख रहे हो वो भी, जो बाद में सुन रहे हो वो भी, आपको बस रेगुलर रहना दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर जस्ट आपको आना है, देखना है, सीखना है, डाउट्स पूछने हैं, डाउट्स क्लियर करने हैं, राइट, सीखना है और भाई एक रैंक ले आनी है, ठीक है, आपकी एक रैंक जो आएगी ना वो आपका पूरा मतलब पूरे परिवार की किस्मत से बदल देगी, ठीक है, इस चीज़ ये सच्चाई है, सिर्फ आपकी नहीं आपके पूरे परिवार की एकदम किस्मत बदल जाएगी, जैसे ही आपका IIT जैम में एक अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है, जैसे ही आप IIT में एडमिशन हो जाएगा, आपका IIT में एंटर करोगे, ठीक है, तो आपके परिवार की कहीं ना कहीं किस्मत एकदम बदल जाने वाली है, क्लियर है, तो भाई बी द वन राइट टू चेंज द लाइफ्स ऑफ योर फैमिली, ठीक है, तो अभी थोड़ी मेहनत कर लीजिए, इट विल बी वर्थ इट आफ्टर सम टाइम, अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करनी चाहिए और कर लो, क्योंकि जब IIT में एडमिशन होगा ना, जब पहला कदम कैंपस के अंदर जाओगे, नज़ारे देखोगे, ठीक है, तो वो वर्थ इट होगा, मतलब वो सारे पूरे हो जाएंगे आपके, ठीक है, रात को जो आप 4-4 घंटे पढ़ के एफर्ट मार रहे हो वो सब वर्थ इट हो जाएगा एक दिन, क्लियर है, तो बिल्कुल बेझिझक लगे रहिए दोस्तों, ठीक है, राइट, आसान है, मुश्किल नहीं है, और अगर आपके पास अभी कोई भी डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी तो आप पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, कोई सवाल है भाई आप सभी के मन में, एनीवन, आप में से किसी के मन में कोई सवाल हो भाई, कुछ पूछ रहा हूं, किसी बारे में चर्चा करनी हो, कोई टॉपिक या फिर कुछ भी, एनीथिंग रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड ऑल, ठीक है भाई, ऐसी कोई भी चीज जो आपको परेशान कर रही हो जीवन में, आपकी तैयारी में एक बाधा की तरीके से अड़ गई हो, कुछ भी, ठीक है, अभी ही नहीं, लाइव में ही नहीं, बाद में जो लोग रिकॉर्डेड भी देख रहे होंगे इसको, वो बाद में कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिएगा, अल्टीमेट पर्पज़ मेरा यही है कि हो सकता है आपको उस चीज़ का एक परफेक्ट सॉल्यूशन ना पता हो सकता है मुझे पता हो जो मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है, अगर मेरा बता देना आपको हेल्प कर जाता है तो
आई एम रेडी टू गिव एफर्ट्स, ठीक है, टेक एफर्ट्स। तो चलिए भाई फिर सेशन को अभी एंड करते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। और हाँ, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, ठीक है, ऐसे टाइम का, तो अगर किसी के पास, बच्चे के पास सफिशिएंट टाइम है तो एक एक लेक्चर पूरा देखना, पूरा मतलब पूरा शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है, ये ऐप में फ्री अवेलेबल है। और अगर किसी के पास समय की थोड़ी कमी है, ठीक है, तो फिर वो YouTube पर पहले ज्वाइन करे, और मैं आपको समय समय पर चीज़ें बता ही रहा हूँ। और एक बार आपने YouTube, अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस करें, अब इन टॉपिक्स की वीडियो आप यहाँ पर जाकर एक बार देखिए, 2x पर देखिए फटाफट से, तो आपको ना 2x स्पीड में चीज़ें समझ आ जाएंगी, राइट। तो एक बेहतर तरीका मुझे लगता है, और आपको काफ़ी इफेक्टिव ये रहेगा, ठीक है, मदद करने में, राइट। तो बिल्कुल यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स के आपके लेक्चर्स, राइट, अवेलेबल हैं अभी एप्लीकेशन के ऊपर, राइट। आपको कुछ खरीदना वरीदना कुछ नहीं है, परचेज नहीं, बस ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह करके, ठीक है, वहाँ पर आपको फ्री प्ले लर्न एंड उस वाले सेक्शन के अंदर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी जिसको आप अवेल कर पाएंगे, ठीक है। और कोई समस्या आए तो इस पर घंटी मार दोगे, ठीक है, या तो इसी चैनल पर सिद्धार्थ सर ने एक वीडियो बना रखी थी कि कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो उसको एक बार फॉलो कर लेना, ठीक है, तो डैट विल ऑल्सो हेल्प यू, है ना। तो ठीक है भाई, दोस्तों कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह। और कल यार आप ना मुझे नंबर कम से कम 4-5 गुना चाहिए, ठीक है जी, कल आपके नंबर्स मुझे कम से कम 4-5 गुना चाहिए, राइट, इट शुड बी वर्थ इट, ओके। चलो दोस्तों फिर एंड करते हैं सेशन को, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।